हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल आई एम वेरी सॉरी मैंने आपको बताया था कि 25, 26, 27, 28 अप्रैल का न्यूज़ एनालिसिस जो हमारा हाँ मिस हुआ था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे तो वो सारे मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स एक नोट्स में कंपाइल कर लिए हैं और आज मैं आपको वो वीडियो बना रहा हूँ ठीक है ना एक तरीके से इसको रिविज़न वीडियो समझ करके आप लोग देख लेना आपने अगर देखा है कहीं और एनालिसिस तो देख लेना कुछ आपका मिस तो नहीं हुआ है अगर नहीं देखा है तो अब आप आपके लिए नया ही रहेगा है ना कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहली जो न्यूज थी उस समय वो थी वाइब्रेंट विलेजेस प्लान टू बी मर्ज विद पीएम गति शक्ति तो वाइब्रेंट विलेज प्लान को पीएम गति शक्ति से मर्ज करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था आप सबको पता होगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो था वो अनाउंस किया गया था 2022 के बजट में ठीक है ना दो के बजट में एंड द प्लान वॉज टू प्रोवाइड कॉम्प्रीह डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस ऑन बॉर्डर विद चाइना है ना चाइना के साथ जो बॉर्डरिंग विलेजेस है उनके डेवलपमेंट के लिए प्लान लाया गया था ठीक है ना अब ये जो डेवलपमेंट होगा विलेजेस का कैसे हेल्प करेगा तो इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइग्रेशन इट विल आल्सो बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ विलेजेस एंड बॉर्डरिंग एरियाज अब कौन कौन से विलेजेस कवर्ड है तो लगभग उनतीस सौ सत्सठ विलेजेस द अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख एंड दे विल बी डेवलप्ड अंडर दिस वाइब्रेंट विलेजेस Program. ठीक है तो आप इसको याद रखेगा एंड इन विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा ऑल वेदर रोड्स के द्वारा इट विल प्रोवाइड पोर्टेबल पाइप्ड वाटर ट्वेंटी फोर सेवन इलेक्ट्रिसिटी सोलर एंड विल्ड एनर्जी के माध्यम से गुड मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी हेल्थ केयर एंड एन 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 लाइवलीहुड ऑप्शन

ऑपरेशन कावेरी मैंने आपको बता दिया मिशन बाय इंडिया टू टूक्यूएटेड नेशनल्स एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इंडिया हैज़ पोजीशन टू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द एयर इंडियन एयरफोर्स इन द सऊदी अरेबियन सिटी ऑफ जद्दा इंडिया ने सऊदी अरेबिया के जद्दा में अपने दो ट्रांसपोर्ट uh, एयरक्राफ्ट uh, रख दिए हैं और वहाँ से फिर मूवमेंट uh, हो रहा है ठीक है ना इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रिवर कावेरी एज इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंडियन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द सदरन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड मेजोरिटी जो लोग हैं वो भी कर्नाटका के ही हैं एंडर इज सैट टू दीपल ऑफ द रीजन एंड वर्शिप एज गॉडे गॉड एस कावेरी अम्मा है ना ट्रिब्यूटरीज कावेरी की मैं आपको बता दूं अर्कावती शिमशा हेमावती कपिलानुहोल अमरावती लक्ष्मण काबिनी लोक पावनी भावानी नोयालन तीर्थ अब अगला जो टॉपिक था वो था आर्ट सेंस वॉट इज आर्ट सेंस आर्ट सेंस एक नोवेल नॉन इनवे बायिंग दिस एंड इट इज बेसिकली नॉन इनवे ब्लड वेसल्स आर्ट सेंस क्या है एज ऑफ ब्लड वेसल्स हेल्थ एंड एज ऑफ ब्लड वेसल्स को डिटरमाइन करने के लिए नॉन इन्वेजिव डिज टेक्नोलॉजी मद्रास का ना एंड इट मेजर यह सारी चीजें इंपॉर्टेंट मार्कर्स ऑफ देश आर्ट्री स्टिफनेस देखी जाती है एरोटिक पल्स वेव वेलासिटी देखी जाती हैल ब्लड प्रेशर देखा जाता है मलेरिया सेट टू बी नोटिफाइबल डिसीज मलेरिया जो है उसको एक नोटिफाइबल डिसीज में, में का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज नोटिफाइबल डिसीज एक ऐसी डिसीज है विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी नोट रिपोर्टेड टू द गवर्मेंट अथॉरिटीज

अट्रैक्ट द फीमेल मॉस्किटोज एंड ले एग्स इन द बायोट्रैप वाटर बायोट्रैप वॉटर में एक्स ले करेंगे स्मॉल बैग कंटेनिंग एंड इंसेक्टीसाइड दोनों में रहते हैं है आर्मीनियन जीनोसाइड के बारे में थोड़ा आपको बता दूं तो आर्मीनियन जीनोसाइड क्या था तो so, अप्रैल 24, 1915 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द आर्मीनियन जीनोसाइड है ना अप्रैल 24, 1915 में हुआ था एंड दिस जीनोसाइड वाज़ क्वाइंड बाय पॉलिश लॉयर रेफेल इन इन द बुक एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यरप

सिस्टमैटिक uh, एनहिलेशन हुआ था आर्मीनियंस का वर लिविंग इन द ऑटोमन एम्पायर इसी को आर्मीनियन जिनोसाइड बोलते हैं अप्रैल चौबीस को आर्मीनियन जिनोसाइड रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कंजर्वेशन वर्क एट दिल्ली जफर महल सेट टू बिगिन तो कंजर्वेशन वर्क शुरू हुआ है जफर महल में एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है कंजर्वेशन वर्क एट द जफर महल इन साउथ डेली एंड जफर महल इज कंसिडर्ड एज द लास्ट मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बिल्ट बिल्ट एज अ समर पैलेस ड्यूरिंग द फेडिंग गेयर ऑफ द मुगल एरा मुगल एरा के फीडिंग एयर्स में जफर महल uh, को लास्ट मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर के रूप में बिल्ट किया गया था जफर महल uh, उस समय कहा जाता था लाल महल या रंग महल कहा जाता था ओरिजिनली बिल्ट बाय अकबर शाह सेकेंड

इससे गुजर सकता है इसलिए इसको हाथी गेट बोलते हैं एम्पर स्टार्टेड द फेस्टिवल सैर गुल फरोशन याद रखिएगा फूलों वालों की सैर बोलते हैं इसको फूल वालों की सैर सैर गुले सैर गुल फरोशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया था हजरत बख्तियार काकी के ऑनर में है ना याद रखिएगा सुप्रीम इनिशिएटिव के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज सुप्रीम इनिशिएटिव तो सुप्रीम इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा याद रखिएगा सुप्रीम इनिशिएटिव अगर आपसे कोई पूछे किसने लिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लिया है इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन अब सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेस ऑफ इक्विपमेंट एम है टू एक्सटेंड फिनशियल सपोर्ट टू रिपेयर अपग्रेड मेंटेन रेट्रोफिट और एक्वायर एडिशनल अटैचमेंट्स टू इंक्रीज द फंशनल कैपेबिलिटीज ऑफ एक्जिस्टिंग एनालिटिकल इंस्ट्रोमेंटेशन फैसिलिटीज़ तो जो एक्जिस्टिंग एनालिटिकल इंस्ट्रोमेंटेशन फैसिलिटीज है उसमें कुछ अपग्रेड करना है मेंटेन करना है रिपेयर करना है रेट्रोफिट करना है या एक्वायर करना है उसके लिए है एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट फैसिलिटीज क्रिएटेड अंडर द प्रोजेक्ट जो कि एनालिटिकल इंस्ट्रोमेंटेशन फैसिलिटीज है उनको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो सपोर्ट करेगा फंडिंग देगा ठीक है ना एंड इसमें जो यूजीसी है या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं डीम्ड दीव यूनिवर्सिटीज हैं अगर उनको कुछ एनालिटिकल फैसिलिटीज के लिए एनालिटिकल इंट्रेन इंस्ट्रोमेंटेशन फैसिलिटीज के लिए फंड चाहिए तो एलिजिबल है अप्लाई कर सकती हैं तीन साल तक के लिए होगा द थ्री ईयर्स के सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा है ना याद रहेगा आई होप यू गॉट क्लैरिटी फंडिंग पैटर्न रहेगा सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फॉर ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट फॉर स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन विच इज हंड्रेड परसेंट फंडिंग वुड बी कंसिडर स्टेट फंडेड में हंड्रेड परसेंट रहेगा और सेवेंटी फाइव 25 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन नीति आयोग की रिपोर्ट आई है मिलेट्स तो नीति आयोग ने रिलीज की एक रिपोर्ट टाइटल्ड प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट है ना <laughs> प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट यूटीज इंडिया अब ये रिपोर्ट नीति आयोग ने निकाली है रिपोर्ट का रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ सेट ऑफ गुड एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस अडोप्टेड बाई स्टेट्स गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मिलेट वैल्यू चेन है ना मिलेट से रिलेटेड जो अलग अलग गुड प्रैक्टिस हैं वो स्टेट्स ने अप्लाई की है उनकी रिगार्डिंग ये रिपोर्ट थी प्रमोटिंग मिले ठीक है ना हाइलाइट्स की बात करें तो उड़ीसा मिलेट मिशन लॉन्च इन 2017 विद द एम टू रिवाइव द मिलेट्स ऑन फार्म एंड प्लेट्स हैव बीन द फ्लैग बेर ऑफ दिस रिगार्ड तो उड़ीसा का मिलेट मिशन जो लॉन्च किया गया था 2017 में वो एक फ्लैग बेर था इसके अलावा और भी अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे कि कॉम्प्रेंसिव रिवाइवल ऑफ मिलेट कल्टिवेशन बाई ट्राइबल्स आंध्र प्रदेश में है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन है भावान्तर भरपाई योजना है हरियाणा की ये सारे काफ़ी ज़्यादा फेमस थे इसके रिगार्डिंग मिलेट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉमनली नोन ट्रेडिशनल मिलेट जो इंडिया में हैं वो हैं सोरघम पर्ल मिलेट फिंगर मिलेट फॉक्सटेल मिलेट प्रोजो मिलेट लिटिल मिलेट बार्नयार्ड मिलेट ब्राउन टॉप मिलेट एंड कोडो मिलेट तो ये सारे इंडिया में होते हैं होम मिनिस्टर लॉन्चेस फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी टू कट द फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला लिक्विड नैनो डीएपी वर्ल्ड का पहला लिक्विड नैनो डीएपी नैनो डीएपी इज द सेकेंड सच वेरियंट ऑफ फर्टिलाइजर इसके पहले नैनो यूरिया भी रिलीज किया गया था अब नैनो डीएपी लाया गया है नैनो डीएपी का मतलब क्या है इट्स अ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट दैट कंटेन द नैनो पार्टिकल्स ऑफ डाई एमोनियम फॉस्फेट वैसे डीएपी डाला जाता है डीएपी यूरिया हमारे यहाँ यूज होता है अब डीएपी क्या होता है डाई एमोनियम फॉस्फेट होता है उसका नैनो पार्टिकल्स बनाया गया है डीएपी क्या है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है डाई अमोनियम फॉस्फोट दो की प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड नैनो डीएपी को जॉइंटली कौन मैन्युफैक्चर करेगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफको इन एसोसिएशन विद प्राइवेट प्लेयर कोरोमंडल कोरोमंडल एक प्राइवेट प्लेयर उसके साथ मिलकर के इफको इसको बनाएगा ठीक है ना और ये जो मैनुफैक्चरिंग यूनिट है नैनो डीएपी की ये कलोल गुजरात में स्टेबलिश की गई है एंड पारादीप उड़ीसा में डेवलप की गई है तो कलोल गुजरात

फार्मिंग फिश फार्मिंग के लिए हो रहा है सब्सिक्वेंट यूज उसका फिर इरिगेशन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर इन सब में होता है जनरल ईस्ट एंड ये इन जनरल द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यूज मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज फॉर फिश फार्मिंग Over 50% of the water bodies are used for irrigation in Gujarat, Telangana, Karnataka, Jharkhand. Manipur, Himachal Pradesh, more than 50% are used for drinking water, industrial purpose usage in minimal. Uh, yeah, If drinking water, industrial usage is minimal in all the states. Water bodies, if we talk about the 97.1% water bodies to found in rural regions, only 2.9% are situated in the urban region. Of these, 837 are in use, while the rest are non functional or unused. Okay, na? Of the total water bodies, 552 are private. ली रेस्ट आर पब्लिकली ओन तो प्राइवेटली ओन 55.2 परसेंट है सारी वोटरबोडीज याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट अमेंड्स जून 2022 ऑर्डर ऑन ई एस डेड तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया है जून 2022 में दिए गए ऑर्डर में जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें कम से कम इको सेंसिटिव जोन एक किलोमीटर का होना चाहिए तो दो जून दो में यह ऑर्डर दिया था हाउ द सेंटर एंड सेवरल स्टेट्स ने फिर कोर्ट में जाकर के कहा कि भैया इसमें तो जो लोग रह रहे हैं वो अफेक्ट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड कर दिया तो अब क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट पहले जो मैंडेटरी वन किलोमीटर की जोन थी ए, वो ए, इट हैज टू बी द uh, कोर्ट responded दैट ई cannot कैन नॉट across the अक्रॉस द कंट्री उन्होंने माना ये किजट को हम इकोनॉमी uh, या आपका इको सेंसिटिव जोस को हम यूनिफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली आते बहुत सारे लोग रह रहे हैं बहुत सारे ट्राइब्स रह रही हैं उनको हम बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकते डब्ल्यू एच ओ big द बिग कैच अप अगला लिख लीजिए इसको बिग कैच to रिस्टोर इम्यूनाइजेशन प्रोग्रेस लॉस ड्यूरिंग द pandemic. Pandemic के दौरान जो इम्यूनाइजेशन की प्रोग्रेस लूज uh, हो गई थी यानी कि इम्यूनाइजेशन जो नहीं हो पा रहा था उसको मैच अप करने के लिए ये द बिग कैच अप इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है द बिग कैच अप ये इनिशिएटिव किसका है डब्ल्यू एच ओ का इनिशिएटिव है इसके अलावा इसमें यूनिसेफ और गावी यानी कि जो ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीन है इम्यूनाइजेशन उसके गावी यूनिसेफ और डब्ल्यू एच ओ ये सब मिल करके इसको सेट कर रहे हैं एंड इम्यूनाइजेशन एजेंडा ट्वेंटी थर्टी इस इन्होंने बनाया है टारगेट है टू बूस्ट वैक्सीनेशन अमंग द चिल्ड्रन जिनका नंबर डिक्लाइन हुआ है कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के दौरान टारगेट कंट्रीज है लगभग बीस कंट्रीज को टारगेट बनाया गया है इंडिया इजंगी कंट्रीज इंडिया भीज में है आप याद रखेगा एंड इज द थिंग दैट इज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू गॉट क्लैरिटी थैंक यू एडमनाइज डे ये नोट में डाउनोड में डाल देता हूं ऐप और वेबसाइट दोनों जगह तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यूज डे